Hello, let's read this question. So this question says, in a circuit for finding the resistance of a galvanometer by hard deflection method, a 6 volt battery and a high resistance of 11 kilo ohms are used. The figure of merit of the galvanometer is 60 microampere per division. In the absence of sun resistance, the galvanometer produces a deflection of theta 9 division. when current flows in the circuit, the value of the shunt resistance that can cause the deflection of theta by 2 is closest to ठीक है आपको यहाँ पर क्या बताना है cent resistance की value बतानी है जिससे कि आपका half deflection हो ठीक है close values होता नहीं all right इस क्वेश्चन का की concept है कि क्या लिख सकते हैं

कनेक्ट कर लिए थे ठीक है जिसका रेजिस्टेंस आपका आर के इक्वल है ठीक है और एक बैटरी आपने से आपने इसको कर रखा है इसे कनेक्ट कर रखा है ठीक है बैटरी का एम आप देखिए सिक्स वोल्ट के इक्वल बोला गया बैटरी एंड हाई रेजिस्टेंस इलेवन कोम्स ठीक है जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू कितनी इलेवन के लोग यहाँ पर बोली गई है द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द कलोमीटर सिक्सटी माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन ठीक है यानी कि एक डिवीजन में आपका सिक्सटी माइक्रो एम्फियर का करंट ही सो करता है ठीक है ये आपको दिखा रखा है इन द अब्सेंस ऑफ सेंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेंटर को ऐड नहीं किया है ये गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसर से डिफ्लेक्शन ऑफ नाइन डिवीजन नाइन डिवीजन का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब इनिशियली जो यहां पर करंट होगी बच्चों ये किसके इक्वल होगी नाइन डिवीजन का तो क्या कर रहा है अपना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और एक डिवीजन में 60 माइक्रो करंट होती है तो आप कर लीजिएगा इसको 60 9 यानी कि फाइव फोर्टी माइक्रो एम्पियर की करंट आपके फ्लो कर रही है ठीक है जब आपका आ, आ, हमने एड नहीं किया ठीक है तो इस सिचुएशन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं आई इक्वल होता है आपका ई इक्वल ई और रजिस्टेंस यहाँ पर गैलोमीटर का रजिस्टेंस एक्सटर्नल रजिस्टेंस ठीक है आई की वैल्यू आपको पता है कितनी फाइव फोर्टी माइक्रो एम्पियर फाइव फोर्टी इंटू ट्वेंटी माइनस सिक्स कर लीजिए ई एम एफ आपको सिक्स वोट देखाटेंस जी प्लस आपका एक्सटर्नल रजिस्टेंस इलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री के इक्वल है ठीक है बस आप यहाँ से आप जी की वैल्यू क्या कर लीजिए फाइंड आउट कर लीजिए ठीक है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इसको आप लिख लीजिए फाइव फोर्टी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है इंटू आपका कितना हो जाएगा जी प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका फाइव फोर्टी इंटू इलेवन करूंगा तो आ, पांच हो जाएगा जाएगा ठीक ठीक है 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 आपका आपका तो करेंगे तो, तो आ कितना है, के पर पर भी है, यहाँ पर भी, है, भी इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं तो उसको आप लिख लीजिए फाइव फोर्टी इंटू टेंथर माइनस थ्री इंटू जी ठीक है प्लस आपका फाइव नाइन फोर जीरो माइनस थ्री को उधर लेके जाऊंगा तो आपका प्लस थ्री हो जाएगा ना तो सिक्स थाउजेंड हो जाएगा जीरो करेंगे तो सिक्सटी जाएगा ठीक है तो बच्चों देखिए यहाँ से आपकी जी की वैल्यू निकल जाएगी जी को देखिए जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ठीक तो है और यहाँ पर आपका सिक्स बाई फिफ्टी फोर को मैं वन बाय नाइन लिख सकता हूँ टेंट दिपॉर माइनस थ्री राइट में जाएगा तो तो

मैग्नेट दोनों का एक ही मतलब है ठीक है अब हाफ डिफ्लेक्शन में होता है कि अब जो करंट जाएगी बाद में ये संट ऐड करने के बाद वो कितनी जाएगी IG/2 के इक्वल जाएगी कितनी जाएगी आपकी IG/2 के इक्वल ठीक है तो आप क्या करेंगे देखिए पहले हम यहाँ पर से पूरे आई निकालेंगे i कैसे निकालेंगे EM डिवाइडेड बाय एक रेजिस्टेंस आर और ये जी एंड एस दोनों क्या पैरेलल में है तो जी एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस यहाँ से आप आई निकालेंगे ठीक है तो ये आई आपके यहाँ पर से ऐसे पास करेगी अब आपको क्या बताना है आई जी की वैल्यू बतानी तो आई जी की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी आई जी की वैल्यू होती है आपकी एस डि देखिए वोल्टेज जो करंट आपका होता है करंट डिविजन रोल इसको लगा लेना है एस इंटू एस प्लस जी इंटू आपका कितना हो जाएगा आई आई करंट जो आपकी फ्लो कर रही थी ठीक है तो यहां से हम इसको निकालेंगे अब ये वाली जो आपकी आई जी है ये आपको है कितनी है हाफ डिफ्लेक्शन है तो आई जी बाय टू के हो जाएगा ठीक है जो

तो ये नाइन नाइन एस के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपका वन वन जीरो 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 इधर हो जाएगा और नाइनटी नाइन प्लस वन करेंगे तो आपका हंड्रेड एस के इक्वल हो जाएगा जीरो जीरो से आपको जीरो जीरो कैंसिल तो एस की वैल्यू देखिए वन जीरो ओम्स के इक्वल आ गए तो यही हमसे पूछा था कैलकुलेट द वैल्यू सेंट की वैल्यू बता दी हमने और ये गलोमीटर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी तो वन वन जीरो ओम्स यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे ऑलराइट So, this was to be the answer of this question. So, I hope you all understood this concept. All the best, and thank you so much.